हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपने घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से फोटो और सिग्नेचर वाला पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि अपने घर बैठे फोटो और सिग्नेचर वाला पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और साथ ही में इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। फोटो और सिग्नेचर वाला न्यू पैन कार्ड बनाने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और गूगल सर्च बार में टाइप करेंगे NSDL। टाइप करने के बाद सर्च करेंगे, सर्च करते ही आपके सामने पहले नंबर की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं www.onlineservices.nsdl.com, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। और इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर न्यू पैन कार्ड बनाने के लिए नीचे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, अप्लाई ऑनलाइन रजिस्टर्ड यूजर। तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन जाता है एप्लीकेशन टाइप, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम नया पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो न्यू पैन इंडियन सिटीजन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिल जाता है कैटेगरी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी कैटेगरी देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हम किसी व्यक्ति या फिर अपना ही पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो इंडिविजुअल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिल जाता है टाइटल, जो भी टाइटल है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है लास्ट नेम या सरनेम, जो भी आपका लास्ट नेम है या सरनेम है उसको यहाँ पे टाइप कर लेंगे। लास्ट नेम टाइप करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है फर्स्ट नेम, जो भी आपका फर्स्ट नेम है उसको यहाँ पे टाइप कर लेंगे। फर्स्ट नेम टाइप करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है मिडिल नेम, जो भी आपका मिडिल नेम है उसको यहाँ पे टाइप कर लेंगे। और अगर आपका कोई भी मिडिल नेम नहीं है तो ये ऑप्शनल है, इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके नीचे ऑप्शन मिल जाता है डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है इस पर क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है ईमेल आईडी, जो भी आप अपने पैन कार्ड में ईमेल आईडी को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं उस ईमेल आईडी को यहाँ पे टाइप कर लेंगे। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है मोबाइल नंबर, जो भी आप अपने पैन कार्ड में मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे टाइप कर लेंगे। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड देखने को मिल जाता है। आपको जिस तरीके से कैप्चा कोड दिख रहा है उसी तरीके से आपको नीचे कैप्चा कोड को टाइप कर लेना है। और अगर आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो साइड में आपको रिफ्रेश का बटन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप अपने कैप्चा कोड को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कैप्चा कोड को टाइप कर लेता हूँ। कैप्चा कोड टाइप करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा और आपके सामने टोकन नंबर जनरेट होकर आ जाएगा। इस टोकन नंबर को आप कहीं कॉपी कर लेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इस टोकन नंबर से जैसे कि आपका कभी पेज एक्सपायर हो जाता है तो उस टोकन नंबर को टाइप करके आप उसी पेज पर डायरेक्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन मिल जाता है सेव ड्राफ्ट, इस पर क्लिक करेंगे। सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करते ही जो भी आपने डिटेल्स को फिल किया है वो आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है सबमिट डिजिटली थ्रू EKYC e-sign। अगर आप अपने आधार कार्ड से EKYC कंप्लीट करके अपने पैन कार्ड को बनाना चाहते हैं और आधार कार्ड पर जो फोटो लगा हुआ है वही फोटो अपने पैन कार्ड पर मंगाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और सेकंड ऑप्शन मिल जाता है सबमिट स्कैन ईमेज थ्रू ई-साइन। अगर आप अपने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करके अपने पैन कार्ड को बनाना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो मैं पैन कार्ड बना रहा हूँ तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके बना रहा हूँ तो सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड। अगर आप अपना फिजिकल पैन कार्ड चाहते हैं तो यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अगर आप फिजिकल पैन कार्ड नहीं चाहते तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके नीचे आपको मिल जाता है एंटर आधार लास्ट 4 डेट, जो भी आपके आधार कार्ड है उसके लास्ट 4 डेट यहाँ पर टाइप कर लेंगे। आधार कार्ड के 4 लास्ट डेट टाइप करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है नेम एज पर आधार, जो भी आपके आधार कार्ड पर नेम है उसको यहाँ पर सही तरीके से टाइप करेंगे। नाम को टाइप करने के बाद नीचे आपको टाइटल ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ जाएगा। यहाँ पर लास्ट नेम भी देखने को मिल जाता है, फर्स्ट नेम भी देखने को मिल जाता है। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम दैट यू वुड लाइक प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, जो भी आप अपने पैन कार्ड पर नाम मंगाना चाहते हैं वो नाम है यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, इसके नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है जेंडर, जो भी जेंडर है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके नीचे ऑप्शन मिल जाता हैव यू एवर बीन नाउ वाई एनी अदर नेम, अगर आप किसी अदर नेम से जाने जाते हैं तो यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपका एक ही नेम है जो अपने पैन कार्ड पर मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स, यहाँ पर पेरेंट्स की डिटेल्स को फिल करना है। इसके नीचे आप देख सकते हैं वेदर मदर इज ए सिंगल पेरेंट, अगर आपकी मदर सिंगल पेरेंट्स है, आपके जो पिता है वो एक्सपायर हो चुके हैं
तो यहाँ पर येस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फादर्स नेम। अगर आप अपने पैन कार्ड पर फादर्स नेम मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पर फादर्स नेम को टाइप कर लेंगे, और अगर अपने पैन कार्ड पर अपनी माता का नाम मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पर मदर्स नेम को टाइप कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने पैन कार्ड पर पिता का नाम मंगाना चाहता हूँ, तो पिताजी का जो लास्ट नेम है उसको यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। लास्ट नेम टाइप करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन आता है फर्स्ट नेम, जो भी उनका फर्स्ट नेम है उसको यहाँ पर टाइप कर लेंगे। फादर्स फर्स्ट नेम टाइप करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन आता है फादर्स मिडिल नेम, अगर आपके फादर्स का कोई भी मिडिल नेम है तो यहाँ पर टाइप कर लेंगे, अन्यथा ये ऑप्शनल से खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड। अगर आपने ऊपर फादर्स नेम को टाइप किया तो यहाँ पर फादर्स नेम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और अगर आपने मदर्स नेम को टाइप किया तो यहाँ पर मदर्स नेम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर फिर से सेव ड्राफ्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेव ड्राफ्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही जो भी आपने पीछे डिटेल को फिल किया वो सेव होती जा रही है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सोर्स ऑफ इनकम, यहाँ पर इनकम की जो सोर्स है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके अकाउंट में सैलरी आती है तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जिसका भी मैं पैन कार्ड बना रहा हूँ वो एक स्टूडेंट है, उसकी कोई भी इनकम नहीं है, तो यहाँ पर नो इनकम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यहाँ नीचे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं रेसिडेंस ऑफिस। अगर आप अपने पैन कार्ड को अपने घर पर मंगाना चाहते हो तो रेसिडेंस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और अगर आप कहीं जॉब करते हैं अपने ऑफिस पर अपने पैन कार्ड को मंगाना चाहते हो तो ऑफिस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने घर पर मंगाना चाहता हूँ, रेसिडेंस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके नीचे ऑप्शन मिल जाता है रेसिडेंस एड्रेस, जो भी आपका स्थायी पता यानी कि जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसको यहाँ पर फिल करेंगे। तो फिल करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है फ्लैट नंबर या फिर आपका घर नंबर, जो भी आपका मकान नंबर है उसको यहाँ पर टाइप कर लेंगे। अगर आपका कोई भी मकान नंबर नहीं है तो इसमें आप 000 करके तीन बार टाइप कर लेंगे। मकान नंबर टाइप करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन जाता है नेम ऑफ प्रीमिस बिल्डिंग विलेज, जो भी आपके गांव का नाम है या फिर जो भी आपकी कॉलोनी का नाम है उसको यहाँ पर टाइप कर लेंगे। गांव का नाम टाइप करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन जाता है रोड स्ट्रीट लेंथ या फिर पोस्ट ऑफिस, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है उसका नाम यहाँ पर टाइप कर लेंगे। पोस्ट ऑफिस का नाम टाइप करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन जाता है लोकलिटी एरिया या फिर सब डिवीजन, जो भी आपके लोकलिटी या एरिया है उसका नाम यहाँ पर टाइप कर लेंगे। सब डिवीजन टाइप करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन जाता है टाउन सिटी या डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका शहर का नाम है या फिर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम यहाँ पर टाइप कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट का नाम टाइप करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन जाता है कंट्री नेम, जो भी कंट्री का नाम है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्री नेम को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन आता है स्टेट, जो भी आपका स्टेट है उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन आता है पिन कोड, जो भी आपकी एरिया का पिन कोड है उसको यहाँ पर टाइप कर लेंगे। इसके बाद ऑप्शन मिल जाता है जिप कोड, जो भी आपकी एरिया का जिप कोड है उसको यहाँ पर टाइप कर लेंगे, और अगर आपको अपने एरिया का जिप कोड नहीं पता तो ये ऑप्शनल है, इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी डिटेल्स, यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की डिटेल्स को फिल करेंगे। फिल करने के लिए आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है कंट्री कोड, जो भी आपकी कंट्री कोड है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्री कोड सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है एरिया एसटीडी कोड, जो भी आपका एरिया एसटीडी कोड है उसको यहाँ पर टाइप कर लेंगे। एरिया एसटीडी कोड टाइप करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है टेलीफोन नंबर, जो भी आपने मोबाइल नंबर को पहले टाइप किया था वो यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी आपने ईमेल आईडी को पहले टाइप किया था वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके नीचे आपको ऑप्शन देता है रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर फिर से सिप ड्राफ्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर, यहाँ पर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन ऑप्शन को ऑटोमेटिकली फिल करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है फॉर हेल्प ऑन एओ कोड सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पर इंडियन सिटीजन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन जाता है स्टेट, जो भी आपकी स्टेट है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन जाता है सिटी, जो भी आपकी सिटी है यानी कि शहर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिटी को सिलेक्ट करते ही नीचे आपको एओ कोड देखने को मिल जाते हैं, अगर आपका तहसील का नाम ए से एन तक के बीच में तो फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर आपके तहसील का नाम एम से जेड तक के बीच में है तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मेरी तहसील का नाम ए से एन के बीच में तो फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते ही जो भी ऊपर आपने ऑप्शन फिल नहीं किए तो वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद फिर से नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारे डॉक्यूमेंट के नेम देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ आपको आधार कार्ड को सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रूफ ऑफ एड्रेस, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी आपको आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। प्रूफ ऑफ एड्रेस को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन आता है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर भी आपको आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे,
स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन, यहाँ पर आपको नाम देखने को मिल जाता है। इसके नीचे सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको हिम सेल्फ हर सेल्फ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके नीचे ऑप्शन मिल जाता है प्लेस, आप जिस भी स्थान से पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस स्थान का नाम यहाँ पर टाइप कर लेंगे। प्लेस का नाम टाइप करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोड फोटो और सिग्नेचर, यहाँ पर अपने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक करके अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के फोटो को रिसाइज करना नहीं आ रहा तो इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना दी है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख करके अपने फोटो को रिसाइज कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं नीचे सिग्नेचर के फोटो को सिलेक्ट करके अपलोड कर लेता हूँ। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लीज वेरीफाई द कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म एंड कन्फर्म, जो भी आपने डिटेल्स को फिल किया है उसे यहाँ से पूरी कंप्लीट चेक कर लेंगे। डिटेल्स को चेक करने से पहले यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है एंटर आधार फर्स्ट एट डिजिट, जो भी आपके आधार कार्ड के फर्स्ट एट डिजिट नंबर है उसको यहाँ पर टाइप कर लेंगे। आधार कार्ड के एट डिजिट टाइप करने के बाद जो भी आपने डिटेल्स को फिल किया है वो एक बार सारी चेक कर लेंगे। सारी डिटेल्स को चेक करने के बाद नीचे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं एडिट प्रोसीड, अगर आपकी कोई भी डिटेल्स गलत है तो एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके उसे आप सही कर सकते हैं। अगर आपकी सारी डिटेल्स सही है तो प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर पेमेंट करने के लिए दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, पहला ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम, अगर आप पेटीएम यूपीआई या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेकंड ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क, अगर आप बिल डेस्क के थ्रू इसका पेमेंट करना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं डेबिट कार्ड से इसका पेमेंट करना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद जो भी चार्ज है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कन्फर्म पेमेंट का पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर ट्रांजेक्शन आई डी देख सकते हैं, अब नीचे ऑप्शन मिल जाता है पे कन्फर्म, इस पर क्लिक करेंगे। पे कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पे विद पेटीएम, अगर आप पेटीएम से इसका पेमेंट करना चाहते हैं तो जो भी आपका पेटीएम में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को टाइप करके प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करके आप पेटीएम से इसका पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप पेटीएम के अलावा किसी और से इसका पेमेंट करना चाहते हो तो नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन मिल जाता है प्रीपेड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से इसका पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप यूपीआई से इसका पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप इसका पेमेंट नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं पेमेंट डेबिट कार्ड से करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है प्रीपेड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ड नंबर, जो भी आपका डेबिट कार्ड का कार्ड नंबर उसको यहाँ पर टाइप कर लेंगे। कार्ड नंबर टाइप करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन रहता है एक्सपायरी वैलिडिटी, जो भी आपके डेबिट कार्ड की एक्सपायरी डेट है और वैलिडिटी डेट है उसको यहाँ पर टाइप करेंगे। एक्सपायरी डेट टाइप करने के बाद साइड में आपको मिल जाता है सीवीवी, जो भी आपके कार्ड के पीछे सीवीवी कोड होता है 3 अंकों का उसको यहाँ पर टाइप कर लेंगे। सीवीवी टाइप करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन रहता है पे, इस पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पर क्लिक करते ही जिस भी बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है उसकी सारी डिटेल निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर बैंक का नाम देख सकते हैं, नीचे अगर उसमें आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर मोबाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही उस अकाउंट में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना है, यहाँ पर आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना है। वेट करने के बाद आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। नीचे आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन स्टेटस एंड सक्सेस, नीचे आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, इसके नीचे आपको डेट एंड टाइम देखने को मिल जाती है, पेमेंट अमाउंट देखने को मिल जाता है, बैंक रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाता है। नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने आधार ऑथेंटिकेशन का पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर टोकन नंबर देख सकते हैं, नीचे एप्लीकेंट का नाम देख सकते हैं, जेंडर देख सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आधार कार्ड के 4 अंक देखने को मिल जाते हैं, इसके नीचे आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओटीपी ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर ओटीपी सेंड करने के लिए ओटीपी ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओटीपी ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने फिर से नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा, यहाँ पर भी नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद जो भी आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर टाइप करेंगे।
OTP टाइप करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन देता है कंटिन्यू विद ईसाइन, इस पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू ईसाइन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन जाता है आधार या वर्चुअल आईडी। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो उसको यहाँ पर टाइप कर लेंगे, या फिर आपके पास वर्चुअल आईडी है उसे यहाँ पर टाइप कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आधार नंबर को टाइप कर लेता हूँ। आधार नंबर टाइप करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है सेंड ओटीपी, इस पर क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते ही जो भी आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर फिर से ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर टाइप करेंगे। ओटीपी टाइप करने के बाद वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते ही जो भी आपका पैन कार्ड का फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट स्लिप, यानी कि जो भी आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो नीचे आपके सामने निकल कर आ जाएगी। अब इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप को ओपन करने के लिए नीचे आप देख सकते हैं एंटर द पासवर्ड टू ओपन दिस PDF, यानी कि इस PDF को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा। पासवर्ड में आपको क्या टाइप करना है ऊपर आप एग्जांपल में देख सकते हैं, यानी कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक्नॉलेजमेंट स्लिप ओपन होकर आ जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इस स्लिप को अपने मोबाइल फोन में सुरक्षित तरीके से डाउनलोड कर लेना है। अगर इसकी आप प्रिंट निकलवाना चाहते हैं तो किसी साइबर कैफे पे जाके इसकी आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो इस स्लिप को डाउनलोड करने के लिए ऊपर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है डाउनलोड PDF, इस पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड PDF के ऑप्शन पर क्लिक करते ही जो भी आपकी PDF है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने घर बैठे मोबाइल से पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 10 से 15 दिन के अंदर आप अपने घर पर पैन कार्ड मंगा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।